हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। जैसा कि शाम के 8:30 बज चुके हैं और हमारी क्लास का टाइम हो चुका है, आज हमारा एक बेहतरीन सेशन लेकर आप सभी विद्यार्थियों के बीच लाइव आ चुका हूं। जैसा कि आज हम बात करने वाले इंडियन आर्मी के जीके के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे, यानी इंडियन आर्मी के जीके के जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं उन 30 प्रश्नों का टेस्ट लगेगा और आप सभी विद्यार्थियों को इन 30 टेस्टों में यानी 30 प्रश्नों में आपको 25 प्लस का टारगेट लेकर चलना है। देखते कौन कौन स्टूडेंट इस टारगेट को अचीव कर पाते हैं। जिनका भी एग्जाम 25 जुलाई या 29 अगस्त को होने वाला है उन सब के लिए शानदार सेशन होने वाला है। भले आप इंडियन आर्मी, जीडी, ट्रेडमैन, टेक्निकल, एनएएसकेटी किसी भी ट्रेड की तैयारी कर रहे हो तो ये टेस्ट आप इनको ईमानदारी से पूरा लगाना है। और आपको पता है काफी सारे विद्यार्थी के कमेंट आ रहे थे, सर मैथ की मैराथन क्लास कब होने वाली है, तो कल मैं आपको बता दूंगा। हो सकता है कल शाम तक 8:30 बजे कल शाम रख दूं मैथ का मैराथन क्लास, आप सभी कमेंट करके जरूर बताएगा। कंफर्म मान के चलिए कल शाम 8:30 बजे होगा क्लास। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। बहुत ही शानदार और जानदार आज का सेशन होने वाला है। चलिए हो चुका आगाज रण का, अब युग बदलने की तैयारी है। जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। चलिए बिना देरी के फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने आ चुका है। हड़प्पा सभ्यता के लोगों का पवित्र वृक्ष कौन सा था? हड़प्पा सभ्यता के लोगों का पवित्र वृक्ष की बात करें तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी की तरफ जा रहे पीपल बिल्कुल का उत्तर सही है। और बात कर लेते भारत का राष्ट्रीय वृक्ष की बात करें तो वो बरगद है। और हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम खोजा गया स्थान हड़प्पा होने के कारण इसको हड़प्पाकालीन सभ्यता कहते हैं, आपको पता होना चाहिए। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 2 नंबर आपके सामने आ चुका है। भारतीय संस्कृति में 5वां वेद किसे कहा जाता है? यानी हम बात कर लेते हैं, पहले बात तो भारतीय संस्कृति में मुख्य वेद की बात करें तो 4 वेद आपको पता होगा, ऋग्वेद हो गया, सामवेद हो गया और यजुर्वेद हो गया, अथर्ववेद हो गया। अब बात कर लेते हैं 5वां वेद किस ग्रंथ को माना जाता है, तो जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर किसकी तरफ जा रहे हैं, सी की तरफ जा रहे हैं, महाभारत बिल्कुल का उत्तर सही है। एक क्वेश्चन बनता है महाभारत के रचयिता कौन है, तो वेद व्यास जी है। और महाभारत का प्राचीन नाम क्या था, तो याद रखिएगा जय संहिता था। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 3 नंबर आपके सामने आ चुका है। महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? महावीर स्वामी के बचपन के नाम की बात कर लेते हैं। पहले बात कर लेते कितने तीर्थ करते, तो अंतिम तीर्थ करते 24वें, ये आपको ध्यान रख लेना है। अब बात कर लेते इनका बचपन के नाम की बात करें तो बिल्कुल जो ऑप्शन बता रहे वर्धमान बिल्कुल का उत्तर सही है। और बात कर लेते महात्मा बुद्ध के बचपन के नाम की बात करें तो सिद्धार्थ था, यह भी सभी विद्यार्थी नोट कीजिएगा। और महावीर स्वामी के जन्म की बात कर लेते यानी वैशाली कुंडल ग्राम में हुआ था, यह भी सभी स्टूडेंट को पता होना चाहिए। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं जो कि 4 नंबर आपके सामने आ चुका है। किस शासक को अमित्रघात कहा जाता है, यानी किस शासक को अमित्रघात कहा जाता है, जल्दी से सभी स्टूडेंट लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर डी की तरफ जा रहे बिंदुसार बिल्कुल का उत्तर सही है। और कई बार क्वेश्चन बनता है बिंदुसार किसका पुत्र था, जल्दी से सभी स्टूडेंट कॉमेंट करके बताएगा, कई बार इस तरह का क्वेश्चन भी आ जाता है। अब बात कर लेते चंद्रगुप्त मौर्य की बात कर लेते तो चंद्रगुप्त मौर्य में आपको पता होगा प्रथम हम विदेशी यात्री की बात करें तो आपको पता होगा मेगस्थनीज भारत आया था। क्वेश्चन ऐसे बनता है मेगस्थनीज किसके काल में भारत आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में भारत आया था। और उनकी प्रसिद्ध पुस्तक की बात कर लेते तो आपको पता होगा इंडिका है, जिसमें मौर्य कालीन सभ्यता का वर्णन मिलता है, यह भी सभी स्टूडेंट को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 5 नंबर आपके सामने आ चुका है। शून्यवाद का जनक या जन्मदाता किसे कहा जाता है? ध्यान रखिएगा शून्य की खोज की वो बात अलग है, शून्यवाद का जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर 1 की तरफ जा रहे हैं नागार्जुन बिल्कुल का उत्तर सही है। और शून्य की खोज किसने की थी, भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट ने की थी, यह भी सभी स्टूडेंट को ध्यान में रखना है, कई बार क्वेश्चन आ चुका है। और बात कर लेते भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है, आपके क्वेश्चन आ जाए भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है, तो नागार्जुन को कहा जाता है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 6 नंबर आपके सामने आ चुका है। किस शासक की मृत्यु पोलो खेलते हुए हुई थी, यानी हम बात कर लेते हैं पोलो जिसे चोगान भी कहते हैं, प्राचीन नाम इसका चोगान भी है, तो याद रखिएगा किस शासक की मृत्यु पोलो खेलते हुए हुई थी, जल्दी से बताने की कोशिश करेगा। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी की तरफ जा रहे हैं कुतुबुद्दीन ऐबक बिल्कुल का उत्तर सही है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया, काफी सारे स्टूडेंट का लाइव चैट में जवाब आ रहा है। और भारत की प्रथम महिला शासिका की बात कर लेते तो रजिया सुल्तान थी, आपको पता होना चाहिए। इसके हम बात कर लेते 1236 से लेकर 40 तक शासक रहा था, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 7 नंबर आपके सामने आ चुका है। नील दर्पण के लेखक कौन है, बहुत ही शानदार, नील दर्पण के लेखक की बात कर लेते हैं
तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर एक की तरफ जा रहे दीन बंधु मित्र बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। आठ नंबर आपके सामने आ चुका है, हिंदी हिंदू हिंद, ये शब्द हम बात कर लेते हैं किसके द्वारा कहा गया है। तो हिंदी हिंदू हिंद की बात कर लेते हैं, जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, सी की तरफ जा रहे मदन मोहन मालवीय, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों अगली बात कर लेते हैं, सुभाष चंद्र की बोस की बात करें तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह नारा किसका था, सुभाष चंद्र बोस का था। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं जो कि नौ नंबर आपके सामने आ चुका है, ढाई दिन का झोंपड़ा कहां स्थित है। ढाई दिन के झोंपड़े की बात कर लेते हैं, जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। पहला क्वेश्चन बनता है ढाई दिन का झोंपड़ा किसने बनवाया था, जल्दी से कॉमेंट बॉक्स में जवाब आना चाहिए। और ढाई दिन के झोंपड़े की बात कर लेते तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, डी की तरफ जा रहे अजमेर, बिल्कुल का उत्तर सी, अजमेर राजस्थान में है, ये सभी स्टूडेंट को पता होना चाहिए। आगरा की बात कर लेते ताजमहल है, ये सभी स्टूडेंट को नोट कर लेना है। जयपुर की बात कर लेते गुलाबी नगरी पिंक सिटी कहा जाता है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। दस नंबर आपके सामने आ चुका है, भारत के संविधान में आपातकालीन व्यवस्था, आपातकालीन व्यवस्था कहां से ली गई है। तो यहां से कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, नीति निदेशक तत्व की बात करें तो आयरलैंड से लिया गया, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। और आपातकालीन व्यवस्था की बात कर लेते हैं तो जर्मनी से लिया गया है, बिल्कुल जो ऑप्शन और बी की तरफ जा रहे हैं बिल्कुल का उत्तर सी है। और समवर्ती सूची की बात कर लेते हैं तो आपको पता होगा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, सभी स्टूडेंट नोट कीजिएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, 11 नंबर आपके सामने आ चुका है, सर्वाधिक अवधि तक रहने वाले राष्ट्रपति कौन थे। सर्वाधिक अवधि तक रहने वाले राष्ट्रपति की जहां बात आती है तो आपको पता होगा बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर एक की तरफ जा रहे राजेंद्र प्रसाद, बिल्कुल का उत्तर सी है। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति की बात करें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। द्वितीय की बात कर लेते डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, ये सभी विद्यार्थियों को ध्यान रखना है। और चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, 12 नंबर आपके सामने आ चुका है, प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है। पहले बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष होनी चाहिए। जो कि प्रधानमंत्री आपको पता है लोकसभा का क्या होता है, सदस्य होता है, जिनके उम्र की बात कर लेते हैं न्यूनतम सीमा तो 25 वर्ष होती है। अब बात कर लेते हैं उनको शपथ कौन दिलाता है, तो भारत का राष्ट्रपति दिलाता है, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी की तरफ जा रहे हैं बिल्कुल का उत्तर सही है। अब बात कर लेते हैं भारत का सर्वोच्च नागरिक की बात कर लेते हैं तो आपको ध्यान रखना राष्ट्रपति होता है। और राज्यसभा का सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है, यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, 13 नंबर आपके सामने आ चुका है, भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है। भूटान के राष्ट्रीय खेल की बात कर लेते तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर डी की तरफ जा रहे तीरंदाज, बिल्कुल का उत्तर सही है। अब बात कर लेते जापान का राष्ट्रीय खेल की बात करें तो जूडो है। और यदि मैं बात कर लेता हूं भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, हॉकी है। और हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है, मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। और उन्हीं के जन्मदिन पर आपको पता होगा राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, किस डेट को मनाया जाता है, कॉमेंट बॉक्स में जवाब आना चाहिए सबका। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, 14 नंबर आपके सामने आ चुका है, किसे कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है, कंप्यूटर का माइंड किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है सीपीयू को, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही है। अब बात कर लेते हैं सीपीयू के तीन भाग होते हैं, आपको पता होगा एक तो सीयू होता है, कंट्रोल यूनिट होता है, और एक बात कर लेता हूं एएलयू होता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, और एक मेमोरी होता है। और सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, जिसे कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, 15 नंबर आपके सामने आ चुका है, हम बात कर लेते हैं जसपाल राणा का संबंध किससे, जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। जसपाल राणा के संबंध की बात कर लेते हैं या कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के संबंध की बात कर लेते हैं, तो वो आपको पता होगा निशानेबाज है, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर एक की तरफ जा रहे हैं बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं, 16 नंबर आपके सामने आ चुका है, मालदीव की संसद का नाम क्या है। मालदीव की संसद की बात कर लेते हैं, जल्दी से बताने की कोशिश करेगा, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे हैं, सी बता रहे हैं मजलिस, बिल्कुल का उत्तर सही है। अब बात कर लेते हैं इजराइल की संसद को क्या कहते हैं, नेसेट कहते हैं, रूस की ड्यूमा कहते हैं, आपको पता होगा कई बार पेपर में आ चुका है। डाइट की बात कर लेते हैं तो जापान की संसद को क्या कहते हैं, डाइट कहते हैं। और उगते हुए सूर्य का देश किसे कहा जाता है, जापान को कहा जाता है। जापान की राजधानी की बात कर लेते हैं तो टोक्यो है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं, 17 नंबर आपके सामने आ चुका है, विश्व व्यापार संगठन यानी WTO, WTO के वर्ल्ड हम बात कर लेते हैं टेंडर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है, तो आपको पता होगा जहां WHO का मुख्यालय है, वर्ल्ड हेल्थ हम बात कर लेते हैं WHO यानी ऑर्गेनाइजेशन का जहां मुख्यालय है वहीं आपको पता है WTO का मुख्यालय है, तो जल्दी से याद करिएगा, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी की तरफ जा रहे हैं जेनेवा स्विट्जरलैंड, बिल्कुल का उत्तर सही है। अब बात कर लेते हैं ADB का मुख्यालय कहाँ है, जल्दी से बताएगा ADB का मुख्यालय कहाँ है, ADB के मुख्यालय की बात कर लेते हैं
तो आपको पता होगा एशियाई विकास बैंक की बात कर लेते तो इसका मनीला में है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका। यदि एडीबी के मुख्यालय की बात करता तो मनीला होता। चलिए दोस्तों सार्क के मुख्यालय की बात कर लेते, काठमांडू नेपाल में है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, 18 नंबर आपके सामने आ चुका है। लुईस ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? लुईस ब्रेल दिवस की बात आती है, जल्दी से बताने की कोशिश करेगा। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर डी की तरफ जा रहे हैं, 4 जनवरी बिल्कुल उनका उत्तर सही है। और यदि बात कर लेते हैं प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है तो 9 जनवरी को मनाया जाता है, आपको पता होगा। और भारतीय थल सेना दिवस की बात कर लेते हैं तो 15 जनवरी को मनाया जाता है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं, 19 नंबर आपके सामने आ चुका है, थोड़ा सही कर दीजिएगा। मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ है? मेहरानगढ़ दुर्ग की बात कर लेते हैं, जल्दी से बताने की कोशिश करेगा। तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, जो ऑप्शन नंबर एक की तरफ जा रहे, जोधपुर बिल्कुल का उत्तर सही है। और गोलकुंडा के किला की बात कर लेते हैं तो हैदराबाद में, कई बार पेपरों में पूछा गया है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं, 20 नंबर आपके सामने आ चुका है। उड़न परी के नाम से कौन विख्यात है? उड़न परी के नाम से कौन विख्यात है, जल्दी से बताने की कोशिश करेगा। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी की तरफ जा रहे, पीटी उषा बिल्कुल का उत्तर सही है। आपको पता होगा सबर को किला किसे कहा जाता है? लता मंगेशकर को कहा जाता है। नाइटिंगल ऑफ इंडिया की बात कर लेते हैं, भारत को किला की बात करें तब सरोजिनी नायडू करना पड़ता है, और सबर को किला लता मंगेशकर है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं, 21 नंबर आपके सामने आ चुका है। कालबेलिया किस राज्य का नृत्य है? यानी कालबेलिया की बात कर लेते हैं, कालबेलिया हो गया, घूमर हो गया, ये आपको पता होगा राजस्थान का प्रसिद्ध क्या है, नृत्य है। अब बात कर लेते हैं, यदि मैं बात कर लेता हूं, आपको पता होगा गुजरात की बात कर लेते हैं, गरबा, गैसे याद रखिएगा, गरबा कहाँ का है? गुजरात का है, ये सभी स्टूडेंट नोट कर लीजिएगा, कई बार पेपर में आया हुआ है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं, 22 नंबर आपके सामने आ चुका है। मरणों उपरांत सर्वप्रथम किस व्यक्ति को भारत रत्न मिला था? मरणों उपरांत की बात कर लेते हैं, सर्वप्रथम किस व्यक्ति को भारत रत्न मिला था, तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे, लाल बहादुर शास्त्री बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, जो कि 23 नंबर आपके सामने आ चुका है। कादंबरी किसकी प्रसिद्ध रचना है? कादंबरी की बात कर लेते हैं, यानी किसकी प्रसिद्ध रचना है, जल्दी से बताइएगा। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी की तरफ जा रहे, बाण भट्ट बिल्कुल का उत्तर सही है। और पंचतंत्र की बात कर लेते हैं, विष्णु शर्मा की है। और अष्टाध्यायी की बात कर लेते हैं तो पाणिनि की है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने आ चुका है। बंकर शब्द किस खेल से संबंधित है? बंकर शब्द की बात कर लेते हैं, ये किस खेल से संबंधित शब्द है, तो आपको पता होगा ये पोलो से संबंधित है। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर किस की तरफ जा रहे हैं, ए की तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल का उत्तर सही है। और बटरफ्लाई संबंध बात कर लेते हैं, बटरफ्लाई शब्द किस से संबंधित है, तो तैराकी से, ये सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। और ग्रैंड मास्टर की बात कर लेते हैं, शतरंज से संबंधित है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने आ चुका है। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा है? भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर की बात कर लेते हैं तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर भी बता रहे हैं, सिद्धार्थ बिल्कुल का उत्तर सही है। और भारत की प्रथम सौर संचालित नौका की बात कर लेते हैं, आदित्य है। और भारत का हम बात कर लेते हैं, प्रथम उपग्रह की बात करें, आर्यभट्ट है। और यदि मैं बात करूं संचार उपग्रह भारत का प्रथम, तो वो एप्पल है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं, 26 नंबर आपके सामने आ चुका है। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ था? तो हजरत मोहम्मद साहब के जन्म की बात कर लेते हैं तो मक्का में हुआ था, बिल्कुल जो ऑप्शन और बी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। और मृत्यु की बात कर लेते तो मदीना में हुई थी, ये सभी स्टूडेंट को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने आ चुका है। पुरंदर की संधि कब हुई थी? पहले बात बनता है, पुरंदर की संधि किन के बीच हुई थी? तो राजपूतों और मराठा के बीच हुई थी। अब बात कर लेते हैं, जय सिंह और शिवाजी के बीच हुई थी। शिवाजी का जन्म कहां हुआ था? शिवनेर दुर्ग में हुआ था। और शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन था? संभोजी था, आपको याद रख लेना है। ये संधि की बात कर लेते हैं, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे, 1665 बिल्कुल का उत्तर सही है। और 1665 में रोबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी, ये क्वेश्चन भी आपके याद होना चाहिए। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने आ चुका है। चंद्रमा का उपनाम क्या है? पहले बात कर लेते हैं, चंद्रमा आपको पता है पृथ्वी का एकमात्र क्या है? उपग्रह। पृथ्वी का एकमात्र क्या है? उपग्रह। अब बात कर लेते हैं, यानी जीवाश्म ग्रह भी कहते हैं चंद्रमा को, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे ना, बिल्कुल का उत्तर सही है। और तारा की बात कर लेते हैं तो सूर्य एक तरह का क्या है? तारा है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने आ चुका है। टोक्यो शहर किस नदी के किनारे बसा है? टोक्यो आपको पता होगा जापान की राजधानी है, ये बता दीजिएगा किस नदी के किनारे बसा है। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, अराकावा नदी, बिल्कुल का उत्तर सी। टाइगर की बात कर लेते हैं, मैंने बताया था रोम रोम टाइगर देख के रोम रोम कांपता है, इसका मतलब रोम शहर है वो टाइगर नदी के किनारे है। और लंदन की बात कर लेते हैं, टेम्स नदी के किनारे है। और पेरिस की बात कर लेते हैं, पेरिस एफिल टावर से याद आता है, सीन नदी। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने
सामने आ चुका है। प्राकृतिक चुंबक का सूत्र क्या है? प्राकृतिक चुंबक जिसे हम क्या कहते हैं, मैग्नेटाइट कहते हैं, इसका सूत्र होता है Fe3O4। बिल्कुल जो ऑप्शन मेरे बता रहे हैं बिल्कुल का उत्तर सही है। और यदि मैं बात कर लेता हूँ Fe2O3, ये किसका सूत्र है, तो ये आपको पता होगा हेमेटाइट का सूत्र है। और ये आपको पता है बॉक्साइट यानी एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क होता है, उसका सूत्र है Al2O3। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं, जल्दी से सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताएगा आज की क्लास में इन 30 क्वेश्चनों में से आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए। यदि आपके इनमें 25 प्लस क्वेश्चन राइट हुए तो आपकी तैयारी बहुत ही शानदार है, और अपनी तैयारी को ज्यादा परखना चाहते हैं तो बहुत ही कम टाइम आपके पास बचा है। तो जो भी विद्यार्थी हमारा तैयारी कर लो एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं कर रखा है, वहां आपके एक डेमो के तौर पर टेस्ट दे रखा है, और आपको पता है 25 टेस्ट दे रखे हैं। तो जो भी विद्यार्थियों ने तैयारी कर लो एप डाउनलोड नहीं कर रखा है, इंडियन आर्मी जीडी और ट्रेडमैन के लिए स्पेशल जो 25 टेस्ट हमने 49 रुपए में अभी इसकी प्राइस चल रही है, तो जिन भी विद्यार्थियों ने नहीं लिया तैयारी कर लो एप डाउनलोड कीजिएगा, और वहां हमारी ये फोटो वाली आइकन दिखेगा उस पर जाकर आप जरूर परचेज कीजिएगा और अपनी रैंकिंग के माध्यम से ऑनलाइन टेस्ट दीजिएगा। और जिन विद्यार्थियों को अभी भी आपको पता 115 पेज की जो ईबुक है हमारी बहुत ही शानदार तरीके से बच्चों की मांग आ रही है, बच्चे पढ़ भी रहे, तो जिन भी विद्यार्थियों ने अभी भी हमारी टॉपिक वाइज ईबुक जिसमें सारा मैटर आपको जीके जीएस मैथमेटिक्स सारा कुछ टॉपिक वाइज है वो ईबुक नहीं ले रखी है, तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन दे दिया है, वहां से आप परचेज कर सकते हैं, या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर 90 57 16 70 27 पर मैसेज कर सकते हैं, तुरंत आपको ऑनलाइन स्टोर का लिंक मिल जाएगा, वहां से परचेज कर लेना। चलिए दोस्तों कमेंट करके बताएगा आज का सेशन कैसा लगा, उम्मीद करता हूं आज का सेशन आपको पसंद आया, तो सेशन को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और बने रहिए हमारे साथ रेगुलर क्लासेस के अंदर। जो भी मैराथन क्लास होगी वो भी आपके लिए बहुत ही रामबाण एग्जाम की दृष्टि से साबित होने वाली है। चलिए दोस्तों आज के सेशन को मैं यही समाप्त करता हूं, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत।